हेलो एवरीवन, आज हम मूल्यांकन कार्य पत्र दो करेंगे गणित का। सो आप वेलकम इन गुरुजी क्लासेस। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो जल्दी मिल सके। तो आज का कार्य पत्र स्टार्ट करते हैं 20 अंक का है। जो इस कार्य पत्र में टोटल 7 प्रश्न है और आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है 4 अंक का, ये है एक मिलान वाला। पहला है 7/4 को भाग करना है 14/4 से। तो जब भी हम करते हैं तो नंबर का उल्टा हो जाता है, साइन किसका लगता है, गुणा का। तो 4/14 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा, 7/14 आएगा। अब इसको काट देंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 1/2, जैसा मैच करा हुआ है। अब 3/5 × 5/3, तो 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, 15/15 = 1 आ जाएगा। अब 1+4/2/4, तो क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल प्लस हो जाएगा, 1+2 = 3/4, 3/4। अब 30/7 − 10/7, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 30 − 10 = 20/7 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति को 6-अंकित भाग के लिए भिन्न करना है, भिन्न लिखने हैं इसके, कौन से 6-अंकित भाग के लिए जिनमें रंग भरा है। तो टोटल पार्ट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हिस्से हैं इसके टोटल, कितने, 6। अब 6-अंकित पार्टों कितने हैं, कलर पार्ट 1, 2, 3, 4, 4, तो 4/6 और 2/3 आएगा। अब अगला है, दिए गए चित्र में ऐसी आकृति बनाए, इसी तरह से इसमें भी भिन्न बना के दिखाना है। तो 4/6, 6 हिस्से टोटल बनाएंगे और 4 कलर भर देंगे, 1 कलर, 2 कलर हो गए, यहाँ पे 2 कलर, 3 कलर और 4 कलर, कितने होंगे, 4/6। अब पैटर्न में अगली संख्या, क्या क्या संख्या है, 100 है पहले, उसके बाद क्या है, 50 है, उसके बाद 25 है, तो अगली संख्या बतानी है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, 100 का आधा 50 यानी भाग करा 2 से, फिर 50 का आगा आधा 25 यानी 2 से भाग किया, तो 25 का आधा 12.5 आएगा। तो इसको भी भाग करेंगे, इसको 25 को भाग करेंगे। तो हमने कैसे बताई, हमने इस पैटर्न में देखा कि 2-2 से भाग करके संख्याएं निकाली गई हैं, तो हमने भी इसी तरह से 12.5 निकाला। अब अगले, किलोग्राम में बदलना है, तो आप इसी तरह से बदलेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं। अब बात की जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो कितने होते हैं, 1/1000 ग्राम होते हैं, तो इस तरह से होता है ये। तो अब 1 ग्राम दे रखे हैं कितने, 4920, तो 4920/1000, तो 4/92 kg आ जाएगा। अब 3 kg 500 ग्राम, तो 3 kg सेम रहेगा, 500/1000 हो जाएगा, तो 3 kg 0.5 आ जाएगा, 3.5 kg आ जाएगा। अब मिसिंग नंबर निकालना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस नंबर को लेते हैं x, अब x लिया तो इस नंबर को इधर लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/13/5, जो कि है x का मान। अब 15 − 3/3/4, तो ये वाला जो नंबर है हमारा फर्स्ट में 13/5 आ जाएगा। अब अगला, 15 − 3/3/4 = -4, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 60 − 15/4 आ जाएगा, तो 45 होगी ऊपर वाली संख्या, तो क्या आएगा, 45, ये 45/4 है। अब छठा, छठे में कहा क्या गया है, पहले ये देखते हैं। छठे में
यदि एक महीने का डाटा पैक की कीमत 20 विद्यार्थियों के लिए 800 है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसकी कीमत क्या होगी? और सातवां है, नीचे दिए गए चित्र में 1/3/6 अंकित है। इसी तरह तीन दृश्य बनाने हैं, तीन आकृतियां बनानी है, तो 6 अंकित हिस्सा कलर्ड वाला, तो इस तरह से हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं क्या करा है। तो छठा प्रश्न, तो 20 बच्चों के लिए डाटा पैक की कीमत 800, एक बच्चे के लिए डाटा पैक की कीमत के लिए भाग करेंगे 20 को 800 से, तो 40 रुपये। सातवें में 6 अंकित करना है, 1/3, क्या करना है, 1/3, तो तीन तीन हिस्से बनाए, 1 2 3, एक कलर कर दिया। यहाँ पे भी तीन हिस्से बनाए, 1 2 3, एक कलर कर दिया। यहाँ पे भी तीन हिस्से बनाए, 1 2 3, एक कलर कर दिया। तो ये तीनों 1/3 की 6 अंकित आकृतियां है। इस तरह से असाइनमेंट हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।